दोस्तों, गोदरेज ग्रुप में बिजनेस का बंटवारा करने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार $4.1 बिलियन के ग्रुप के पुनर्गठन के लिए महीनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन हाल ही में इसने रफ्तार पकड़ी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुनर्गठन के लिए जिन बाहरी सलाहकारों से सलाह ली जा रही है उनमें निमेश कंपनी, उदय खोटक और AZB एंड पार्टनर्स के कानूनी विशेषज्ञ जिया मोदी और सिरिल श्राफ शामिल हैं। गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड और गोदरेज एंड बॉयज ने एक जॉइंट इंटरव्यू में बताया है कि गोदरेज परिवार अपने शेयर होल्डर के लिए बेस्ट वैल्यूएशन के लिए पिछले कुछ सालों से ग्रुप के लिए काफी लंबे समय से रणनीतिक योजना पर काम कर रहा है। इंटरव्यू में आगे कहा गया है कि इस अभियान के हिस्से के रूप में हमने बाहरी पार्टनर से भी सलाह मांगी है और दोस्तों अगले 6 महीने में इस मामले पर अंतिम फैसला आने की उम्मीद है और इसमें पूरी तरह से बड़े पैमाने पर संपत्ति का विभाजन होने की संभावना है। रिपोर्ट में आदि गोदरेज ने करीबी लोगों का हवाला देते हुए कहा कि परिवार के मुखिया कोई भी बदलाव नहीं पसंद करेंगे, लेकिन युवा पीढ़ी संपत्ति के मालिकाना हक पर ज्यादा स्पष्टता चाहती है। गोदरेज एंड बॉयज के अलावा जो एक प्राइवेट एंटिटी है, GIL, GCPL, गोदरेज प्रॉपर्टीज और गोदरेज एग्रोवेट जैसे दूसरे ग्रुप फर्म सभी पब्लिक हैं और इन्हें आदित्य गोदरेज और उनके भाई नादिर के नेतृत्व वाले ग्रुप की तरफ से ही कंट्रोल किया जाता है और ये जानकारी आदि गोदरेज के GIL के चेयरमैन के पद से हटने के बाद सामने आई है। उनके भाई जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने भी ये पद संभाला और इन सालों में आदित्य गोदरेज के 3 बच्चों को ग्रुप बिजनेस का ज्यादा कंट्रोल दिया गया। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतना बड़ा परिवार अब इतने बड़े बिजनेस का बंटवारा आखिर क्यों कर रहा है। दरअसल 2019 में एक खबर आई थी जिसमें मुंबई के इलाके में 1000 एकड़ जमीन को लेकर गोदरेज परिवार में विवाद की शुरुआत हुई थी और इसमें नई पीढ़ी के रोल को लेकर भी परिवार में गहरा मतभेद है। इस कारण ये पारिवारिक कलह यानी कि फैमिली फ्यूड समय के साथ और बढ़ गया। मगर बिजनेस का ये बंटवारा जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि परिवार के सदस्यों और फैमिली ट्रस्ट के बीच बहुत ज्यादा क्रॉस होल्डिंग है और इन्हें अलग करने की जरूरत है और दोस्तों इन कारणों से कहा जा सकता है कि ये एक जटिल बंटवारा हो सकता है। तो दोस्तों कुछ इस वजह से गोदरेज ग्रुप का बंटवारा होने जा रहा है। तो दोस्तों ये तो कुछ अपडेट गोदरेज ग्रुप को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।